अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक और नया लेक्चर मैंने लाया है, दैट इज एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया हम पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने क्लास ऑस्टियोथाइसिस वो कंप्लीट किया था, बोनी फिशेस का क्लास हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम टेट्रापोड्स पढ़ेंगे। तो टेट्रापोड्स में हम पहले पढ़ेंगे एम्फीबिया को, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि जब भी ये वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो प्लीज एंड प्लीज आप यूट्यूब पर जब भी ये वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो वहां पर आप लाइक करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द वीडियोस ऑफ विच आई एम गोइंग टू अपलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए जी, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, दैट इज क्लास एम्फीबिया। तो पहले मैं आपको एक बताता चलूं, रफली मैं एक आइडिया दूंगा आपको कि ये एम्फीबिया कहाँ से है। तो हमने पढ़ा था वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स को हमने डिवाइड किया था किसमें? वर्टेब्रेट्स को हमने डिवाइड किया था गैंथो एंड एगैंथोस्टोम्स, ठीक है। गैंथो एगैंथोस्टोम्स एंड गैंथोस्टोम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जार्स। एगेंथोस्टोम्स और गैंथोस्टोम्स में हमने वर्टेब्रेटा को क्या किया था? डिवाइड किया था। एगेंथो को हम क्या बोलते थे? जालेस वर्टेब्रेट्स, इनमें जाज नहीं होते थे। वाइल एज गैंथोस्टोम्स को हम कहते थे जार्ड वर्टेब्रेट्स, क्योंकि उनमें क्या होते थे? जाज आर प्रेजेंट, जार्ड वर्टेब्रेट्स। अब एगेंथोस्टोम्स में मैंने कहा था कि एक ही क्लास आता है, दैट क्लास वाज साइक्लोस्टोमैटा। तो इसमें एक ही क्लास आता था, साइक्लोस्टोमैटा, ठीक है। लेकिन जो गैंथोस्टोमैटा था, गैंथोस्टोमैटा मीन जार्ड वर्टेब्रेट्स, ये एक डिवीजन था। वर्टेब्रेट्स में दो डिवीजन निकल गए, तो दोनों डिवीजन, एक तो एगेंथोस्टोमैटा डिवीजन है और दूसरा गैंथोस्टोमैटा डिवीजन। अब गैंथोस्टोमैटा को हम जार्ड वर्टेब्रेट्स कहते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ जार्स होते हैं। और इसमें मैंने कहा था कि इसमें जो आते हैं, बेसिकली हमने इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। गैंथोस्टोमैटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था। एक का नाम था सुपर क्लास पाइसिस और दूसरा था सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा मीन जिनमें लिम्स होती है, और चार लिम्स होती है। व्हाइल एज पाइसिस में क्या थे? फिन्स वायर प्रेजेंट। तो सुपर क्लास पाइसिस फिर दो क्लासेस में डिवाइड हो गया था, कॉन्ड्रियोथाइसिस, कार्टिलेजियस फिशेस एंड एक ऑस्टियोथाइसिस, ठीक है, बोनी फिशेस। लेकिन जो टेट्रापोडा था, टेट्रापोडा डिवाइड हो गया था किसमें? एम्फीबिया में, रेप्टाइला में, देन एव्स एंड मैमल्स। तो चार क्लासेस में टेट्रापोडा डिवाइड हो गया था। तो टेट्रापोडा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया को, ठीक है। इनमें प्रेजेंस ऑफ लिम्स होती है। टेट्रापोडा मींस, टेट्रा मींस चार, पोडा मींस फीट्स। तो इनमें लिम्स होते हैं, दे आर हैविंग फोर लिम्स। इनमें फिन्स मींस एब्सेंट होते हैं, बट दे आर हैविंग लिम्स, इनमें लिम्स प्रेजेंट होती है। अब यहां से देखो, ये तो एक जनरल आइडिया था जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये एम्फीबिया कहां से आ गया, ये किस सब डिवीजन में है, ठीक है, किस सुपर क्लास में ये है। तो चलिए जी, चलते हैं हम एम्फीबियंस की ओर। तो पहले एम्फीबियंस हम कहेंगे कि ये पहले ऐसे एनिमल्स थे जो पानी से बाहर आ गए। दीज वर द फर्स्ट एनिमल्स टू मूव ऑन द लैंड। क्योंकि अभी तक जो हमने पाइसिस पढ़े, गैंथोस्टोमैटा में हमने पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस पढ़ा, जिसमें सारी की सारी फिशेज आती थी। तो फिशेस जो थी, फिशेस खाली किसमें होती है? पानी में ही रहती है, वो पानी से कभी बाहर नहीं आती है। लेकिन ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस पहले ऐसे एनिमल्स थे जो लैंड पर वॉक करने लगे, जो लैंड पर रहने लगे, ठीक है। ये पानी में भी रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं। इनका ड्यूअल मोड ऑफ ये होता है, हैबिटेट इनका ड्यूअल है। पानी में भी रहते हैं ये, एज वेल एज दे लिव ऑन लैंड, दैट मीन्स ये टेरेस्ट्रियल भी है, एज वेल एज दे आर एक्वाटिक, ठीक है। तो इसलिए हम इनको एम्फीबियन कहते हैं। और एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन देखो, बेसिकली ये एम्फीबियन जो है, ये कहां से बने? दे गेट एवोल्यूटेड फ्रॉम फिशेस। ये फिशेस
फिशेस का ही एवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद ही फिशेस में मॉडिफिकेशंस हो गई और वहां से क्या बन गए, एम्फीबियंस बन गए। कल भी मैंने आपको एक वेल एग्जांपल दी थी कॉलियोकैंथ की, लेटमेरिया जिसमें आता है कॉलियोकैंथ, कॉलियोकैंथ फिशेस, इसमें लेटमेरिया एक एग्जांपल है। तो उनको हम लोबड फिन फिशेस कहते हैं, उन्हीं लोबड फिन फिशेस से एम्फीबियंस बन गए। तो ऑरिजिन इनका क्या है, दे गेट एवोल्यूटेड फ्रॉम लोबड फिन फिशेस, लोबड फिन फिशेस। तो लोबड फिन फिशेस से ये एवोल्यूट हो गए, एवोल्यूटेड फ्रॉम लोबड फिन फिशेस। लोबड फिन फिशेस को कॉलियोकैंथस बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, लेटमेरिया। तो लेटमेरिया जो है लोबड फिन फिशेस होती है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बोला था ये जो लोबड फिन फिशेस होती है कॉलियोकैंथस जिनको हम कहते हैं, ये बेसिकली इनमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कहते हैं, ये पानी से बाहर आ जाते हैं और ये उन लोब्स से लैंड पर, सैंड पर क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, दूर मूव कर सकते हैं। तो इन्हीं का जब एवोल्यूशन हो गया, इनमें जब चेंजेस आने लगी तो कौन बन गए, एम्फीबिया बन गए, तो एम्फीबियंस बन गए। तो एम्फीबियंस कहां से अब एवोल्यूट हो गए हैं, फ्रॉम लोबड फिन फिशेस। लोबड फिन फिशेस को हम क्या कहते हैं, कॉलियोकैंथस कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, लेटमेरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पहला वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखिए एम्फीबियंस जो है ना, एम्फीबियंस अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर ड्यूअल इन हैबिटेट। इनकी जो रहने की जगह है, दैट मींस हैबिटेट, ये पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज दे कैन लिव ऑन लैंड। दैट मींस दे आर हैविंग बोथ एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इनका ड्यूअल हैबिटेट है, तो हैबिटेट इज ड्यूअल, हैबिटेट इनमें ड्यूअल हैबिटेट है, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर्स। तो एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, तो दैट मींस दे आर हैविंग ड्यूअल मूड ऑफ हैबिटेट। हाँ, दे कैन लिव इन साइड द वॉटर्स, ऑल्सो दे कैन लिव इन साइड ऑन द लैंड। तो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। एक्वाटिक में ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वॉटर। एक्वाटिक में ये मोस्टली फ्रेश वॉटर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट देखो एक्वाटिक में ये मोस्टली क्या होते हैं, ये फ्रेश वॉटर होते हैं, एक्सेप्टर आना, सिंकोर रीना, राना सिंकोरीना। ये जो राना सिंकोरीना है, इट इज नॉट एक्वाटिक, इट इज नॉट फ्रेश वॉटर, इट इज मैरीन, ये मैरीन है, ठीक है, इट इज मैरीन। बट मोस्टली जो भी बाकी जो भी एम्फीबियन है वो पाए जाते हैं मोस्टली इन द फ्रेश वॉटर। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन मैंने बोला राना कौन से रोना, ठीक है, राना कौन से रोना जो है, राना कौन से रोना, दिस इज मैरीन वॉटर्ड एम्फीबियन। ठीक है, तो राना कौन सी रीना जो है, राना कौन सी रीना इज ए मैरीन एम्फीबियन। वाइल एज जो बहुत सारे, जो लगभग सारे एम्फीबियंस होते हैं, दे आर मे मोस्टली एक्वाटिक, और एक्वाटिक में भी क्या होते हैं, दे आर मोस्टली फ्रेश वॉटर। याद क्लियर है, दे आर मोस्टली फ्रेश वॉटर। तो टेरिस्ट्रियल बाकी ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, दे आर लिविंग ऑन लैंड। तो इनका जो हैबिटेट है, दैट इज दे आर हैविंग ड्यूअल हैबिटेट, दे लिव इन साइड वॉटर्स एज वेल एज दे लिव ऑन द लैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हैबिटेट के बारे में। नाउ यहां पर मैं देखो एम्फीबियंस जो है ना, अगर मैं वर्ड एम्फीबिया की बात करूं तो एक एम्फीबिया वर्ड ही निकला है एम्फीबोयस से। एम्फीबोयस मींस ड्यूअल, हाँ, दे आर हैविंग ड्यूअल हैबिटेट। एम्फीबोयस मींस ड्यूअल हैबिटेट। दिस वर्ड एम्फीबिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम्फीबोयस। एम्फीबोयस मींस हैविंग ड्यूअल मूड ऑफ दिस लिविंग। इनका ड्यूअल मूड लिविंग का होता है, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर, ड्यूअल हैबिटेट ही हम कहेंगे। तो जिनका ड्यूअल हैबिटेट होता है, दे कैन लिव,
वाटर्स में भी ये रह सकते हैं और ये लैंड पर भी रह सकते हैं, दैट इज नोन एज एम्फीबियस बर्ड, और एम्फीबियस बर्ड से क्या बन गया, एम्फीबिया बन गया। अब ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के बाकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ बन गया है, ठीक है। अब देखो 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 ये मेंढक अब थोड़ी सी बन गई है, बट ओके थोड़ा सा इसको मैं अब ठीक ठाक से बना दे। Now this is an amphibian. देखो ये एक amphibian है जिसको हम frog कहते हैं। This is frog. Frog एक important member है किनका? Amphibians का. This is an important member of amphibians. Frog. तो frog जो है, देखो इसमें क्या है? हम इसमें amphibians के characteristics देखेंगे। देखो इनका जो skin होता है, पहले मैं यहाँ पर बोल दूँ, देखो आपको अगर इसको देख रहे हो आप, आपको कहीं गर्दन नजर आ रही है? नहीं आ रही है गर्दन, कहीं नजर ही नहीं आ रही है, there is no neck. तो amphibians में बॉडी में खाली दो ही पार्ट्स होते हैं, हेड एंड ट्रंक। तो हेड एंड ट्रंक इनमें प्रेजेंट होता है, हेड और ट्रंक, there is no neck. Body in amphibians having head and trunk only, no neck is present, head and trunk only. तो amphibians की body में खाली head and trunk होता है, उनमें कोई neck present नहीं होती। अब देखो ये तो head और trunk था, अब इनका जो skin होता है, skin is glandular, smooth skin होता है, और ये skin क्या होता है, moist होता है, चिपचिपा होता है, एंड ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी इन फंक्शन होता है। ये कुछ ओडोफेरस सबस्टेंसेस रिलीज करता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो फिर हम अगर स्मेल करेंगे तो वो एक डर्टी टाइप ऑफ स्मेलिंग वहां से आती है, दैट इज बिकॉज इट फ्रॉम इट सिकिन इट रिलीजेस सम ओडोफेरस सबस्टेंसेस। तो सिकिन इनका क्या होता है, सिकिन इनका होता है एम्फीबियंस का सिकिन इज मॉयस्ट, स्किन मॉयस्ट होता है, चिपचिपा होता है, स्मूथ, इसमें कोई स्केल विकेल नहीं होती है, देयर इज नो स्केल्स। कल हमने स्केल्स पढ़े थे कि जो फिशेस होती है, फिशेस की बॉडी में प्रेजेंस ऑफ स्केल्स होती है, हाँ फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स होती है, लेकिन एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इनका जो स्किन होता है दैट इज मॉयस्ट, दैट इज स्मूथ एंड ग्लैंडुलर, और ये सेक्रेटरी इन फंक्शन होता है, ये कुछ सबस्टेंसेस सेक्रेट करता है एंड ग्लैंडुलर। तो ये तो बात होगी एम्फीबियंस के सिकिन की, तो यहां पर लिख देता मैं यही बात, तो मैं लिखूंगा यहां पर मॉयस्ट ग्लैंडुलर सिकिन, मॉयस्ट ग्लैंडुलर सिकिन, स्मूथ मॉयस्ट ग्लैंडुलर सिकिन, ठीक है, ये हो गया इनका। अब देखो इनका जो यहां पर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल
इनका जो ये माउथ है, माउथ से ये एलिमेंट्री कैनाल होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल ये यहां पर है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहां पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओपनिंग भी यहीं पर है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो दैट मींस, या ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो दैट मींस सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, सारी की सारे जो सिस्टम्स हैं ये एक ही जगह पर ओपन होते हैं, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज कॉलिका। तो इनमें देखो, एनस इनमें नहीं होता है, दे आर हैविंग कॉलिकल अपर्चर, जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, जहां से सर्कुलेटरी सिस्टम की ओपनिंग भी वही होती है, और जहां से जो गैमेट्स होते हैं वो भी वहीं से निकलते हैं। तो दे आर हैविंग अ कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल दीज सिस्टम्स, दैट कॉमन ओपनिंग इज नोन एज, उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोकल अपर्चर, कॉलिकल अपर्चर। तो कॉलिकल अपर्चर होता है, व्हाट इज कॉलिकल अपर्चर? कॉलिकल अपर्चर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग वहीं से है, मतलब एग्जिट एग्जिट वहीं से है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वहीं पर ओपन हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वहीं पर ओपन हो रहा है। तो एक कॉमन ओपनिंग जो होती है, जहां से गैमेट्स भी निकलते हैं, जहां से सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल की भी वही एग्जिट है, तो दैट ओपनिंग, दैट अपर्चर इज नोन एज कॉलिकल अपर्चर। उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिकल अपर्चर। तो इनमें कॉलिकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, इनमें कोई एनस नहीं होता। तो यहां पर लिखूंगा मैं यही पॉइंट, लोकल अपर्चर इज प्रेजेंट, लोकल अपर्चर इज प्रेजेंट। तो क्लोकल अपर्चर आपको समझ आना चाहिए कि क्लोकल अपर्चर होता क्या है। क्लोकल अपर्चर एक टाइप ऑफ एनएससी होता है, लेकिन इस क्लोकल अपर्चर में, इस वाले एनएस में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन हो जाता है वहीं पर, इसी एनएस में, इसी क्लोकल अपर्चर में, या बाकी जो सिस्टम्स है वो वहीं पर सारे ओपन हो जाते हैं। तो दैट मीन्स एक कॉमन ओपनिंग बन जाती है सारी सिस्टम्स की, तो दैट कॉमन ओपनिंग इज नोन एज क्लोकल अपर्चर। ये वाला पॉइंट, आई थिंक ये तीन पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। तो एम्फीबियंस में क्लोकल अपर्चर होता है, और देखो यहां पर ये इसकी आई है, इसकी अच्छी खासी आई होती है एम्फीबियंस में, लेकिन आई पर क्या होता है, लेड्स, आई लेड्स होते हैं। ठीक है, आई पर क्या होते हैं, आई लेड्स। तो आई लेड्स, आई लेड्स, तो प्रेजेंस ऑफ आई लेड्स। तो एम्फीबियंस में क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आई लेड्स, इनमें आई लेड्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आई लेड्स। और यहां पर देखो, इनमें कोई, ये जैसे कि हम ह्यूमंस में कान होता है, पिना, एक्सटर्नल जो ये है, दिस इज नोन एज पिना, लेकिन इनमें कोई पिना विना नहीं होता है। इनका जो यहां पर एक मेम्ब्रेन सी होती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और वही इस एयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इनमें थिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वही एयर को रिप्रेजेंट करती है, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स एयर। थिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एयर को रिप्रेजेंट करती है, नो पिना इज प्रेजेंट, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स एयर। तो ये वाला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वही एयर को रिप्रेजेंट करती है, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट्स एयर। तो एयर बेसिकली, इनमें कोई पिना विना नहीं होता है, इनमें एक मेम्ब्रेन होती है, तो दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यही थिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन इनका एयर रिप्रेजेंट करती है, इनका एयर थिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो एक और चीज, इनकी जो टंग होती है, टंग इनकी स्लाइम होती है, स्लाइमी टंग, दे आर हैविंग स्लाइमी टंग। ठीक है, स्लाइमी टंग, चिपचिपी टंग होती है, और दैट इज प्रोट्रूसेबल टंग आल्सो, स्लाइमी टंग एंड आल्सो इट इज प्रो
प्रोट्रूसिबल मीन्स अगर ये फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग ने इंसेक्ट को यहां पर देखा तो ये अपने इस माउथ से उस इस दैट मींस इस टंग को निकालेगी ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करेगी तो वो इंसेक्ट इस पर चिपक जाएगा। इसी तरीके से जो जो भी एम्फीबियंस होते हैं इनमें ये टंग को बहुत ज्यादा खींच सकते हैं बाहर की ओर, जिसको हम प्रोट्रूसिबल कहते हैं। दे कैन एक्सटेंड देयर टंग, तो उसको हम प्रोट्रूसिबल कहते हैं। उसको फिर ये वापस भी रिकॉइल भी करते हैं, तो दैट मीन्स प्रोट्रूसिबल टंग होती है इनकी। और स्लाइमी टंग होती है, बहुत ही चिपचिपी सी, स्मूथ सी, सॉफ्ट सी टंग इनमें होती है एम्फीबियंस में। अब यहां पर देखो इनके जो लिम्स होते हैं, they are having limbs, इनमें कोई फिन नहीं होता, but they are having limbs। और जो limbs होते हैं, limbs में toes होते हैं, they are having toes। देखो ये limbs है, तो इसमें क्या होते हैं, they are having toes, चार या पांच toes, 4 to 5 toes। तो इनमें क्या है, limbs are या टू पेयर ऑफ लिम्स, मैं यहां पर लिखूंगा टू पेयर ऑफ लिम्स इनमें होती है। दे आर हैविंग टू पेयर ऑफ लिम्स, इनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ये वाला पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, दे आर हैविंग टू पेयर ऑफ लिम्स, इनमें दो पेयर्स होते हैं, एक आगे की दो लिम्स, आगे की दो जो ये होती है लिम्स हो गई दो टांगे, पीछे की दो टांगे हो गई चार टांगे, दैट मीन्स चार लिम्स इनमें होती है। तो टू पेयर्स उसी को हम कहते हैं टू पेयर्स ऑफ लिम्स। लेकिन हर कोई लिम्ब जो होती है, हर किसी लिम्ब पर या तो चार टोज हो सकते हैं या पांच टोज, दैट मींस दे आर पेंटाडेक्टाइल। अगर पांच टोज हो गए दैट मींस पेंटाडेक्टाइल लिम्ब हम उसको कहते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स हैविंग 4 to 5 toes, तो अगर पांच टोज हो गए दैट मींस पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल। तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स में होती है, जैसे कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, पांच उंगलियां हैं, तो दैट मींस वी आर हैविंग अ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, इट इज अ पेंटाडेक्टाइल हैंड। ठीक है, तो इसी तरीके से पांच टोज इनमें भी है तो उसको हम पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। तो दो पेयर्स ऑफ लिम्ब्स में जो टोज होते हैं ये वो दो चार या पांच हो सकते हैं, दैट मींस पेंटाडेक्टाइल ये हो सकते, ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। अब देखो इनमें कोई क्लाव ला नहीं होता है, ना तो वो ऐसे 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 क्लास होते हैं, लेकिन वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब एक और चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा इसमें, इनमें देखो इनमें कोई पेनिसलाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, नो पेनिसलाइक स्ट्रक्चर। मेल्स में पेनिसलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, नो पेनिसलाइक स्ट्रक्चर, इनमें पेनिसलाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। देखो और अगर पेनिसलाइक स्ट्रक्चर नहीं है दैट मींस, अगर ये वाला पॉइंट मुझे ऐसे बोलना था, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट मतलब दे आर हैविंग मेल अलग होता है इनका और फीमेल अलग होती है इनकी। ठीक है, और सेक्सेस जब सेपरेट होते हैं उसके बाद इनका जो मेल होता है, मेल के पास कोई एक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है, जस्ट लाइक एज हमने क्लैस्पर्स देखे थे इसमें फिशेस में, लेकिन इनमें कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है विच इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। तो देयर इज नो पेनिस, पेनिस इनमें नहीं होता है, नो पेनिस इन मेल्स, नो पेनिस इन मेल्स, मेल्स में कोई पेनिस नहीं होता है। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, देखो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए, फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस दे नीड वाटर, क्योंकि वाटर के बगैर ये फर्टिलाइज, ये लैंड पर अपने दैट मींस स्पर्म और एग इनका लैंड पर नहीं फर्टिलाइज हो सकता है। तो इस पर्पस के लिए ये फर्टिलाइजेशन, ये इनकी देखो ये इनकी कमजोरी है, फॉर देयर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। तो फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल भी हो सकती है एज वेल एज इंटरनल भी हो सकती है, और दैट फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इनसाइड द वाटर्स। तो फर्टिलाइजेशन इनकी होती है एक्सटर्नल, मोस्टली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यहां पर मैं लिखूंगा एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, लेकिन कभी कभार
इनमें किसी एक ऑर्डर में इनके देखा गया है, दैट मींस यूरोडेल्स, यूरोडेल्स में इसमें देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, आप इतना ही याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन की क्या होती है, एक्सटर्नल हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इनकी डेवलपमेंट में, एम्फीबियंस की डेवलपमेंट में लार्वा आ जाता है, ठीक है, लार्वा इज प्रेजेंट हियर, और इनका लार्वा क्या होता है, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे है, थ्रू द टैडपोल लार्वा, जो में बेसिकली हम फ्रॉग्स में देखते हैं। अब देखो एक और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं यहां पर आपको बोलूंगा, एंड दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में एक और कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि इनका जो हार्ट होता है, अब फिशेस का हार्ट किस चैम्बर, कितने चैम्बर का होता था, दो चैम्बर्स का हार्ट होता था, लेकिन इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, द हार्ट इज थ्री चैम्बर, इनका हार्ट क्या होता है, हार्ट इज थ्री चैम्बर, और उस थ्री चैम्बर्ड हार्ट में दो ऑरिकल्स होते हैं, बट दो ऑरिकल्स कंप्लीटली वो सेपरेट नहीं हुए होते हैं, और एक वेंट्रिकल होता है, सिंगल वेंट्रिकल एंड हाफ पार्टिशनड ऑरिकल्स, तो दो ऑरिकल्स और सिंगल वेंट्रिकल, दैट मींस इसके ब्लड वेसल्स में भी क्या होता है, मिक्सड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो हार्ट इज थ्री चैम्बर। आप देखो रेस्पायरेशन ये कैसे करते हैं, तो रेस्पायरेशन के लिए इनके पास लंग्स भी होते हैं, क्योंकि लैंड पर जब ये होते हैं, दे कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, व्हाइल एज जब ये किसमें होते हैं, जब ये पानी में होते हैं, तो दे कैन रेस्पायर थ्रू सिकिन, तो इनमें जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन इज किटिनियस टाइप, दैट मीन्स किटिनियस टाइप मीन्स सिकिन के थ्रू जो रेस्पायरेशन होती है, उसको हम किटिनियस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन इन एम्फीबियंस इज किटिनियस टाइप, किटनियस टाइप मीन्स थ्रू सिकिंग, तो रेस्पायरेशन कैसे होती है एम्फीबियंस में, रेस्पायरेशन होती है या तो थ्रू सिकिंग हो जाएगी, तो उसको हम क्यूटिनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, और या तो लंग्स, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो लंग्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन होती है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, तो इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होती है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन में होती है। अब यहां पर ये देखो, जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, तो मैंने अभी कहा था एक्सक्रीशन आपको उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन सिंपली ये क्या करते हैं, दे आर मोस्टली यूरोटेलिक, ये क्या होते हैं यार, यूरोटेलिक इन नेचर, और ये एक्सक्रीशन कभी कभार स्किन के थ्रू, दैट इज कॉलिकल अपर्चर इज देयर, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन कर देते हैं, और ये मोस्टली क्या हो, दे आर यूरोटेलिक इन एक्सक्रीशन, ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, एंडोस्केल्टन तो पता ही है, एंडोस्केल्टन इनका बोनी होता है, वो कोई मसला नहीं है, एंडोस्केलेटन का बोन ही होता और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मेसो नेफ्रिक किडनीज होती है, मेसो नेफ्रिक किडनीज, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो आई थिंक मोस्टली हमने जो एनसीईआरटी पर जितना भी दिया गया है, हमने मोस्टली वो कवर किया है, आई थिंक सारा ही सारा कवर किया है। अब थोड़ा सा मैं यहां पर रिप्रोडक्शन के बारे में बोलूंगा थोड़ा सा और, एंड वी विल फिनिश दिस एम्फीबिया, हम एम्फीबियंस को, नाउ दिस इज फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन दिस इज फीमेल, तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या हो जाता है, दिस इज फीमेल,
ब्रीडिंग सीजन के दौरान देखो ये फीमेल है, अब मेल आएगा, ठीक है। देखो इनके पास कोई पेरेंट्स पेरेंट्स का मेल के पास कोई पेरेंट्स का स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन देखो वो ये फर्टिलाइजेशन कैसे करते, मेल आएगा, दिस इज मेल, तो देखो मेल का जो मेल के जो लिम्स होते हैं, तो लिम्स में मेल के लिम्स में क्या होता है, यहां पर फर्स्ट फिंगर फर्स्ट टो जो है द फर्स्ट टो, मेल का जो फर्स्ट टो होता है फर्स्ट टो, ये वाला टो फर्स्ट टो, जो मेल का जो लिम होता है दिस लिम, इसका जो फर्स्ट टो होता है वहां पर एक मस्कुलर सा पैड लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेपचुअल पैड कहते हैं, और जो नेपचुअल पैड किसको पकड़ने के लिए होता है, फॉर फीमेल, तो इस नेपचुअल पैड यहां पर होता है, मेल के पास नेपचुअल पैड्स होते हैं, नेपचुअल पैड्स, तो नेपचुअल पैड्स किसके काम आते हैं, टू होल्ड फीमेल ज्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, टू होल्ड फीमेल, तो फीमेल को ये होल्ड करते हैं ज्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ज्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, तो जब होल्ड किया उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसके बाद फीमेल रिलीज करती है, फीमेल विल रिलीज 3,000 to 4,000 एग्स, उसके बाद ये 3,000 to 4,000 एग्स फीमेल रिलीज करेगी पानी में, और उसी के साथ देखो इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि ये डायरेक्टली इंसर्ट स्पर्म कर दे फीमेल में, तो फिर ये जो मेल है मेल भी सेक्रेट क्या करता है, मेल विल रिलीज स्पर्म्स, तो मेल भी स्पर्म्स रिलीज करता है पानी में, और वहां पर जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नेचुरल पैड्स किसके लिए होते हैं, फॉर टू होल्ड द फीमेल ज्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, तो मेल में नेचुरल पैड्स होते हैं। अब ये तो था एम्फीबिया के बारे में, मोस्टली हमने एम्फीबिया खत्म किया है। नाउ देखो ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के एग्जांपल हम कैसे याद है, जो एम्फीबियंस है एम्फीबियंस को तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, वन इज एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा, ठीक है, एपोडा, एन्यूरा एंड और कौन सा है, और यूरोडेला है। देखो यूरोडेला, एपोडा और एन्यूरा, ये तीन ऑर्डर्स किसके हैं, ये तीन ऑर्डर्स हैं एम्फीबिया के, दीज आर द ऑर्डर्स, ये क्या है, ये तीन ऑर्डर्स, दीज आर ऑर्डर्स, ये क्लास। देखो एपोडा जो है ना, एपोडा वो वाले एम्फीबियंस होते हैं जिनको हम लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबियंस कहते हैं, इनके पास कोई लिम्ब विम नहीं होती, दे आर नॉट हैविंग एनी लिम्ब, लिम्बलेस एम्फीबियंस, ये जस्ट ये ब्लाइंड भी होते हैं, इनको हम ब्लाइंड वर्म्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड वर्म्स, दे आर नॉट हैविंग दीज आई, दे आर रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स आईज, बिकॉज ये जो दीज एम्फीबियंस है ये स्नेक लाइक होते हैं, दे आर जस्ट लाइक ए स्नेक, ये एपोडा वाले जो है एपोडा के क्लास में कौन से एम्फीबियंस आते हैं, ये स्नेक लाइक एम्फीबियंस होते हैं, और इनके पास रुडिमेंट्री आईज होती है, वो आईज फंक्शनल नहीं होती है, क्योंकि ये किस में रहते हैं, दे लिव इनसाइड द केव्स, दे आर केव डिवेलपर्स, ठीक है, ये केव्स में रहते हैं, पानी के अंदर जो केव्स होती है उनमें वो रहते हैं, तो केव्स में रहते हैं, तो दैट मीन्स ये कभी बाहर आते ही नहीं है, तो इसलिए इनकी आंखें क्या है, इनकी आंखें फिर आंख में वो रोशनी नहीं रहती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेमार्क द मोर यू यूज एन आर्गन द मोर फंक्शनल इट बिकम्स, द लेस यू यूज एन आर्गन द लेस फंक्शनल इट विल बिकम, इट विल बिकम द रिड्यूस्ड,
तो इनके पास जब ये आंखें यूज ही नहीं करते तो दैट मींस आंखों का इनमें कोई क्या, ये बाहर ही नहीं निकलते, तो आंखों का इनमें फिर कोई रोल ही नहीं है, तो इनमें आंखें क्या हो गई, इनमें आंखें खत्म हो गई है, रिडिमेंटरी हो गई है, नॉन फंक्शनल हो गई है, इसलिए ये ब्लाइंड हो गई है, बिकॉज दे ऑलवेज लिव इनसाइड द केव्स, तो इनको हम इसीलिए ब्लाइंड वर्म्स भी कहते हैं या लिम्बलेस एम्फीबियंस भी हम कहते हैं। तो ये लिम्बलेस एम्फीबियंस और ब्लाइंड वर्म्स जो है, इसमें से एक एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोपस, इक्थियोपस, तो इक्थियोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोडा, तो आप ये याद रखोगे इक्थियोपस क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, लेकिन कौन सा एम्फीबियंस है, लिम्बलेस एम्फीबियंस, तो लिम्बलेस एम्फीबियंस में एग्जाम्पल कौन सी याद रखोगे आप, इक्थियोपस, इक्थियोपस इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन, दे आर ब्लाइंड, दे आर जस्ट लाइक एस स्नेक्स। देखो अब उसके बाद है यूरोडेल्स, यूरोडेल्स क्या है, दे आर हैविंग लिम्स, इनमें लिम्स होती है, दे आर हैविंग आईज वाइज, और इनमें होते हैं दे आर प्रेजेंस ऑफ टेल, तो इनको हम टेलर्ड एम्फीबियंस कहते हैं, टेलर्ड एम्फीबियंस, तो ये टेल्ड एम्फीबियंस है, होते हैं, और ये जो टेलर्ड एम्फीबियंस है, देखो इसमें आपको एग्जाम्पल किसकी याद रखनी है, और ये जो टेलर्ड एम्फीबियंस है ये आपको नजर आएंगे लैंड पर भी, दे आर वॉकिंग ऑन द लैंड, तो इसमें एग्जाम्पल है सेलामेंडर्स, तो जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पर एग्जाम्पल दी गई है सेलामेंडर्स की, तो सेलामेंडर्स किसमें आते हैं, यूरोडेला में आते हैं, ऑर्डर यूरोडेला और दैट क्लास इज एम्फीबिया, तो एग्जाम्पल में इसमें आप एग्जाम्पल सेलामेंडर्स भी लिख सकते हो, या उससे एक और एग्जाम्पल मैं आराम से बोलूंगा एम्बाइलोस्टोमा, तो एम्बाइलोस्टोमा क्या है, ये भी एक सेलामेंडर है, एम्बायोस्टोमा ये भी एक सेलेमेंडार ही है, तो दी सेलेमेंडार जो आते हैं, सेलेमेंडार वैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेलेमेंडार सबसे एक वाइड ऑर्डर माना, वाइड सब ऑर्डर माना जाता है, और इनमें टेल प्रेजेंट होता है, तो ये सारे क्या है, ये यूरोडेल्स में आते हैं, तो यूरोडेल्स में आप एग्जाम्पल याद रखोगे सेलेमेंडार या एम्बायोस्टोमा, एम्बायोस्टोमा और सेलेमेंडार आप याद रखोगे, दे आर टेल्ड एम्फीबियंस, तो एन्यूरा, एन्यूरा आर टेललेस, दे आर टेललेस एम्फीबियंस, इनमें टेल में कुछ नहीं है, टेललेस एम्फीबियंस, और इस एन्यूरा में कौन आता है, फ्रॉग, राना, राना टिग्रीना, ठीक है, इसमें फ्रॉग आती है, इसमें हाइला आता है, एंड इसमें बूफो आता है, राना हाइला एंड बूफो, ठीक है, तो वो किसमें आते हैं, एन्यूरा में, तो ये एग्जाम्पल लर्न करने का आसान सा तरीका है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा कह दिया सब ऑर्डर्स के बारे में, तो एन्यूरा में कौन आते हैं, टेललेस एम्फीबियंस आते हैं, जिसमें एग्जांपल है राना की हाइला एंड बूफो, राना टिग्रीना, ठीक है, तो इसी तरह यूरोडेल्स में एग्जांपल, यूरोडेल्स को क्या कहते हैं, टेलर्ड एम्फीबियंस, और इसमें एग्जांपल क्या है, सेलेमेंडार्स की एम्बायोस्टोमा, तो अपोडा क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियंस को हम कहते हैं, ब्लाइंड वर्म्स भी हम इनको कहते हैं, तो इसमें एग्जांपल क्या है, इक्थियोपस, इक्थियोपस, ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बोलूंगा जो हमें देखने को मिलता है किन में, जो हमें एनी एम्फीबियंस में देखने को हमें मिलता है, मोस्टली एम्बायोस्टोमा, ठीक है, एम्बायोस्टोमा मैंने कहा कहा था सेलेमेंडार्स में आता है, ठीक है, ये यूरोडेल्स में आता है, तो उसमें एक चीज होती है, दैट थिंग इज नोन एज नियोटेन, अब नियोटेनिक किसको हम कहते हैं, देखो नियोटेनिक हम किसको कहते हैं, व्हाट नियोटेनिक मींस, तो ये नियोटेनिक का कंसेप्ट मैं आपको बोलता हूं, उसके बाद ये क्लास खत्म है, ये वाला लेक्चर कंप्लीट है, तो देखो नियोटेनिक इसमें हमें देखने को मिलती है, और नियोटेनिक है क्या, नियोटेनिक, नियोटेनिक हमने यूजुअली देखा है कि जब मेटामॉर्फोसिस होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग में एक लार्वा होता है, दैट इज टैडपोल, ठीक है, वो टैडपोल लार्वा होता है, तो इसमें भी मेटामॉर्फोसिस होती है।
तो लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग में भी मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा से एडल्ट बनता है, ये नॉर्मल। लार्वा से एडल्ट बनना दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं हम उसको। लेकिन देखो नियोटैनिक किसको हम कहते हैं, अगर लार्वा से फिर से लार्वा बन जाए, लार्वा से क्या हो जाए, फिर से लार्वा बन जाए। लेकिन अगर देखो लार्वा पहला स्टेज है, लेकिन लार्वा क्या हो जाएगा, लार्वा अगर सेक्चुअली सेक्चुअली ये मैच्योर हो रहा है, सेक्चुअली ये मैच्योर हो गया, बट दे आर बट इट इज हैविंग लार्वल कैरेक्टर्स। हाँ मोस्टली इसमें लार्वल कैरेक्टर्स है, तो बट सेक्चुअली ये मैच्योर हो गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पीडोजेनेसिस, जिसको हम नियोटेनी भी कहते हैं, और इस वाले प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस भी कहते हैं, पीडो जेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस में देखो लार्वा से लार्वा सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, बट प्रेजेंस ऑफ अभी भी उसमें क्या होते हैं, अभी भी उसमें लार्वल कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो जिसमें लार्वा सेक्चुअली मैच्योर हो जाए, बट इट इज सिटिल लार्वा, लार्वा सिटिल है, ये अभी भी लार्वा ही है, ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन लार्वा में क्या हो गया है, इट बिकम्स सेक्चुअली मैच्योर्ड। सेक्चुअली मैच्योरेशन इसमें आई है, बट ये अभी क्या है, ये अभी भी लार्वा ही है। तो दिस रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, अगर हम मैं कहूंगा दिस रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, तो अभी भी इसमें लार्वल कैरेक्टर्स है, अगर ये सेक्चुअली मैच्योर हो गया है, बट इट इज हैविंग लार्वल कैरेक्टर्स, ठीक है, लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स कब है, देखो अगर पहले स्टेज पर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बाद एडल्ट इसको बनना, तो दैट मींस ये लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पहले स्टेज, पहले वाले स्टेज पर होते हैं, ये लास्ट वाले स्टेज पर नहीं होते हैं, फिर लास्ट वाले स्टेज पर फिर एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर रिटेंशन हो गए, अगर ये लार्वल कैरेक्टर्स रहने लगे, अब वो रिटेन हो गए ड्यूरिंग या बियॉन्ड बियॉन्ड नॉर्मल टाइम, ठीक है, या बियॉन्ड नॉर्मल पीरियड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज नियोटेनी। तो रिटेंशन ऑफ द लार्वल कैरेक्टरिस्टिक इज बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड। अगर लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए, हाँ एक्चुअली वो मैच्योर हो गया है, बट अभी भी उसमें लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड, जो रह रहे हैं वो रहने नहीं चाहिए थे लेकिन वो रह रहे हैं, तो उसको हम नियोटैनिक कहते हैं, और इस सारे फिनोमिना को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। द होल फिनोमिना इज नोन एज पीडोजेनेसिस, होल फिनोमिना, तो होल फिनोमिना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस और नियोटेनी ये एक ही है, ये एक ही मतलब ये एक ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो जाता है, लार्वा जो था, लार्वा से एडल्ट बन जाता है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। लेकिन लार्वा से एडल्ट बन जाना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। लेकिन नियोटेनी और पीडोजेनेसिस क्या है, लार्वा एडल्ट बनेगा नहीं, बट देखो एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा एक सेक्चुअली मैच्योर हो जाना, लार्वा तो कभी सेक्चुअली सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है,